मैंने कुछ लिखा है वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, मगर तुम्हारी बात कौन करता है। अभिनंदन हम करते हैं उन सभी का जिन्होंने भीषण गर्मी में, कहीं तूफान में, कहीं पहाड़ पर या किसी नाव में फर्ज अपना निभाया बगैर डिगमगाए, ताकि राष्ट्र का लोकतंत्र रहे मजबूत और तिरंगा लहराए। आप सबको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, ग्रेटिट्यूड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नाउ व्हाट हैड हैपेंड व्हिच वी प्रॉमिस्ड ड्यूरिंग द 16th of March, दिस टाइम वी हैवंट हैड मैनी रीपोल्स। दिस इज एन इनक्रेडिबल स्टोरी अगेन ऑफ द मेडिकुलस वर्क ऑफ द पर्सनल, ऑल दोज हु आर इन्वॉल्व इन द इलेक्शन। एज अगेंस्ट 540 देर आर ओनली 39 रीपोल्स, एंड ऑफ दीज 39 ऑल्सो 25 आर ओनली इन अरुणाचल एंड मणिपुर बिकॉज ऑफ द फार फ्लंग डिस्टेंसिस। सो 39 माइनस 25, जस्ट 14 रीपोल्स इन रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, एंड इन विच 27 स्टेट्स हैव हैड नो रीपोल्स। इट हैज नेवर हैपेंड लाइक दिस। नेक्स्ट, दिस इज अनदर सक्सेस स्टोरी विच ऑल ऑफ यू आर अवेयर। आप सब पिक्चर्स देख चुके हैं, 58.58% ओवरऑल टर्नआउट, एंड इन वैली 51.5। हमने जो आंखों में चमक है, जो भविष्य को लेकर चमक है, जो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन को लेकर चमक थी, जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, उसमें हमने उसको देखा है। एंड वॉट हैज नॉट गॉन इन टू इट। जब हम चुनाव कराने के लिए गए थे मार्च 12-13 में, तो प्रश्न पूछे जा रहे थे हमसे, हर समय प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है, कि आप साथ साथ क्यों नहीं करा रहे हैं, वो कब कराएंगे। उस समय जवाब दिया था हमने कि कराएंगे, सही समय पे कराएंगे, जरूर कराएंगे, और अब कराएंगे। अब इस फाउंडेशन पर बिल्ट करेंगे। वी अंडरस्टैंड दैट पीपल आर रेडी टू डेमोक्रेटिकली डिसाइड देयर फ्यूचर, एंड वी सैल्यूट ऑल ऑफ देम। वी चेंज द पॉलिसी फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स सो दैट दे कैन ऑल्सो वोट, एंड देयर वोटिंग वॉज ऑल्सो रिकॉर्ड। वी अबॉलिश्ड फॉर्म एम विच वॉज कम्बरसम। We also abolished for those who are staying outside the state the process of gazetted officers attestation and allowed self attestation. जितना easy कर सकते थे उतना किया, और 26 special polling stations बना के उनको भी vote करना सिखाया। See next what is happening. These are the real success stories of the country. Manipur, हमने 94 special polling stations बनाए 10 districts में, एंड डिस्पाइट द फॉल्ट लाइन्स विच एग्जिस्ट इन दैट स्टेट, हमारे साथ आके 71.96% इनर मणिपुर एंड 51.72% आउटर मणिपुर में इन पोलिंग स्टेशन में वोटिंग हुई। पीपल आर ईगर एंड नो मेजर इंसिडेंट ऑफ वायलेंस। दिस इज वॉट इज द सक्सेस स्टोरी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस विच इज हैपेंड। लेट्स सी द इंक्लूसिविटी पार्ट, क्योंकि अक्सर शहरों की चमक धमक में ध्यान में नहीं आता। पर्सन्स विद पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एसटीज पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। वी सॉ दी फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी रियली हैपनिंग इन दोज प्लेसेस। द शॉम्पेन्स वॉट वोटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। हमने पिक्चर्स दी हैं सबके लिए, हमारी वेबसाइट पे बहुत हाई रिजोल्यूशन फोटोज हैं, कभी कभी उनको देखिए, इस्तेमाल करिए, यू वुड रियली लव इट। कुछ विलेजेस और हेलमेट्स एलडब्ल्यू एरियाज में ऐसे थे जहां पहली बार वोटिंग हुई। इफ आई कैन नेम देम, 126 विलेजेस एंड 199 हेमलेट्स विद 100 पोलिंग स्टेशन इन सरगुजा विद पहाड़ी कोरवाज एज द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप वोटेड ओवरवेलमिंगली मोर देन 88%। This is the success story of the Indian elections. Every corner, every place, every irrespective of the strata, everybody participated, voted. This is what it is. Senior citizens, PWGs, transgenders, everyone. Friends, I will also very quickly show you how much of the effort we made this time, and also want to thank all of those who worked with us pro bono. Large number of agencies worked with us pro bono. We didn't spend money on them, and they were so
फोर्थ कमिंग इन दिस, आगे बढ़ के हमसे कह के हिस्सा ले रहे थे। देखिए एक झलक देखिए, कोई भी मेजर ब्रांड और कोई भी स्टार्टअप ऐसा नहीं बचा जिसने हमसे आके ना पूछा हो, खुद से ना सपोर्ट किया हो। हमें थोड़ा सा उनके उनको एक रेस्पेक्ट देनी थी बस, जो हमने मीटिंग करके दी एंड एवरीबडी पार्टिसिपेटेड, एवरीवन पार्टिसिपेटेड। आईपीएल मैचेस, भारत रत्न मिस्टर सचिन तेंदुलकर, 16,000 पेट्रोल पंप्स ऑफ द कंट्री, एयरलाइंस, इंडियन पोस्ट, इंडियन रेलवेज, आपने सबने देखा होगा, किसी भी रेल पेट्रोल पंप पे जाइए अभी भी सब पे आपको भरा मिले, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल प्रो बोनो, एंड वी थैंक ऑल ऑफ देम, ऑल दी दीज आर जस्ट द पिक्चर्स ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग्स, द एंटायर ट्रेन बीइंग पोस्टेड, द सेलिब्रिटीज, हु इज नॉट द सेलिब्रिटी हु हैज नॉट वर्क विद अस दिस टाइम प्रो बोनो, वी थैंक ऑल ऑफ देम, एंड दिस शोज द लेयरिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, दिस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द डेमोक्रेसी दैट पीपल वॉन्ट टू पार्टिसिपेट। ये निगेटिव माहौल उन्हें खराब करते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट, दिस टाइम लार्जेस्ट इंटरनेशनल इलेक्टर्स विजिटर्स प्रोग्राम हैपेंड, 23 कंट्री, 75 इंटरनेशनल इलेक्टर विजिटर्स, और हमने कहा कि आप 6 स्टेट्स में जाइए और जाके बूथ्स पे जाइए, देखिए, एंड हमने शेयर किया है उनके एक्सपीरियंसेस, हमारे प्रेस नोट में है, आप देखिए कितनी कितनी उनको सीखने की, कितनी उनको हमारी चीजों से शेयर करने की, और हमारे प्रोसेस को देख के मैं देवर अमेज्ड, कभी देखा नहीं है इस तरीके से इतनी क्राउड, इतने एक साथ एक लाइन में हर वर्ग, हर तरीके के लोग खड़े हुए हैं कंधे से कंधा मिला के, देखा नहीं था, तो वो एक्सट्रीमली हैप्पी। नाउ दिस इज द टाइम टू शो यू व्हाट वी डिड इन द 4 M's, लेट अस सी द फर्स्ट मसल। फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द जनरल इलेक्शंस वेयर वी हैवंट सीन वायलेंस। आपको याद होगा किस तरीके की वायलेंस हम देखते थे, J&K, LWE एरियाज ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मणिपुर, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, ये इट्स नॉट ए इजी जॉब टू डू इट, इट रिक्वायर्स 2 years ऑफ ए स्ट्रांग प्रिपरेशन। एंड आज आपके सामने में रिपोर्ट करने का ये भी पर्पज था कि इन सब ये सारा का सारा एफर्ट कहीं खो ना जाए, आपको एक बार दिखाएं तो कि क्या हुआ है। एब्सोल्युटली दिस टाइम अगर आप राइट साइड में देखते तो सारे TV भरे हुए होते थे कि वायलेंस वायलेंस वायलेंस, एक छोटी सी वायलेंस होती थी पूरे दिन ट्रिकर चलता था, कोई ट्रिकर नहीं चला इस बार, एंड द एनवायरमेंट एट द पोलिंग स्टेशंस वाज रियली फेस्टिव डिस्पाइट द हीट व्हिच आल्सो वी विल टॉक अबाउट। नेक्स्ट, फिर कर्विंग मनी पावर, ये अनादर एग्जाम्पल ऑफ ए कंसर्टेड वर्क, सिंसियरिटी। आपको याद होगा किस तरीके से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देखा करते थे, मेरे ख्याल से जरूर याद होगा, लिकर, साड़ी, धोती, क्या क्या नहीं बटता था, कहीं से मुझे बताइए इस तरीके की बटने की कोई मेजर घटनाएं आपको दिमाग में आई हो, सदर्न स्टेट्स में किस तरीके से पैसा बटता था, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाई इलेक्शन में क्या क्या फिगर्स कोट होती थी, 10,000 crores, एंड वी वॉन्ट टू थैंक एवरीबडी, दिस इज ऑल बिकॉज अगेन ऑफ 2-2.5 years कॉन्स्टेंट वर्क। एंड ये अकेला नहीं है, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, इससे पहले जो 11-12 इलेक्शंस हुए हैं स्टेट असेंबलीज के, उनको सबको मिलाइए तो वहां भी 3,500 crore का खर्च है। क्यों? सिंसियरिटी एंड द स्टेट मैसेज दैट हमें ये नहीं होने देना, मसल नहीं होने देनी है, मनी पावर नहीं होने देना, ये सब चीजें छुप जा रही हैं, किसी दूसरे फेक नैरेटिव में ये सब चीजें छुप जा रही हैं। कंट्री मस्ट नो दैट दिस इज व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, PVTGs पार्टिसिपेट कर रही है, सीनियर सिटीजन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, J&K, मणिपुर, LWE एरियाज में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गांव में, देहात में, शहरों से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो रहा है, फेस्टिवल में हो रहा है, पैसे पकड़े जा रहे हैं, वो नहीं खिल जा रहा। देखिए ड्रग्स का क्या हुआ, 4,391 अमाउंट्स ऑफ ड्रग्स विच हैज बीन काइंड ऑफ सीज्ड, समाज को खराब कर रही हैं, और कॉन्टिन्यूस हमने पहली बार भी दिखाया था पिछले 11 इलेक्शंस में भी, वो भी फिगर्स आपके पास हैं, हमारे प्रेस नोट भी हमारी वेबसाइट में है। दिस इज अगेन ए ट्रेमेंडस वर्क डन बाय द एनफोर्समेंट एजेंसीज, हुम ऑल ऑफ हुम वी हैव मैप्ड ऑन आर IT सिस्टम।